हेलो एवरीवन दिस इज मेघा शर्मा वेलकम टू ओमेगा टेक कैट आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकल नंबर थ्री डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट है डिजाइनर वेब पेज डेमोन्स्ट्रेटिंग डिफरेंट सीमेंटिक्स सीमेंटिक टैग्स का यूज हम पेज को डिवाइड करने के लिए करते हैं इसकी हेल्प से हम एक डिवीजन बेस्ड लेआउट डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि हम डी टैग का यूज करते हैं उसी तरीके से हम सीमेंटिक टैग्स का यूज़ कर सकते हैं इसका मेन बेनिफिट ये होता है कि हम अलग अलग एरिया में अलग अलग स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि हम अपने पूरे वेब पेज को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं और हर एक सेक्शन में अलग अलग स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं सीमेंटिक टैग्स में जो टैग होते हैं उनके नेम से ही हमें उनके पर्पस के बारे में पता चल जाता है जैसे कि फर्स्ट टैग है हेडर टैग जहाँ पे हम पेज की हेडर इंफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं जो कि हर एक पेज पे रिपीट होगी मीन्स वेबसाइट में जितने भी पेज हैं उन सब में ये इंफॉर्मेशन रिपीट होती है तो हेडर में हम अपने कंपनी का नेम लोगो ये सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं सेकेंड है एनएवी टैग एन ए वी टैग जो है वो नेविगेशन बार को डिफ़ाइन करता है मतलब कि हमारे पेज में जो डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स हैं उनको अरेंज करने के लिए हम एने वी टैग का यूज़ करते हैं नेविगेशनल बार जो होता है वो मेनू बार की तरह होता है जैसे कि अगर हमें होम पेज पे जाना है अबाउट सेक्शन पे जाना है तो डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स को अरेंज करने के लिए हम एन ए वी टैग का यूज़ करते हैं नेक्स्ट टैग है फुटर टैग जो कि पेज के बॉटम सेक्शन को डिफाइन करता है ये भी हर पेज पे रिपीट होगा तो फुटर पेज जो होता है उसमें हम जनरली कॉपी राइट इन्फॉर्मेशन और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डिफाइन करते हैं नेक्स्ट है आर्टिकल डिफाइंस अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट दैट रिप्रेजेंट्स अ न्यूज़पेपर आर्टिकल फोरम पोस्ट स्टोरी ब्लॉग और मैसेज तो आर्टिकल सेक्शन जो है वहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट ब्लॉक डिफाइन कर सकते हैं तो ये वाला जो सेक्शन होता है वो एक स्टैंड अलोन सेक्शन होता है जहाँ पे जहाँ पे हम कोई भी पैराग्राफ डिफाइन कर सकते हैं नेक्स्ट सेक्शन है असाइड असाइड डिफाइंस अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट दैट रिप्रेजेंट्स अ नोट टेप कॉशन डिस्प्ले ऑन अ साइड बार तो अगर हमें कोई नोट टिप या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है तो उसके लिए हम असाइड टैग का यूज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम जो पेज डिफाइन करेंगे उसमें ये सारे ही सेक्शन हो लेकिन इन टैग का यूज करके हम अपने वेब पेज को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं तो असाइड सेक्शन में जो टेक्स्ट हम लिखेंगे वो साइड में आता है जैसे कि साइड बार होता है कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है कोई नोट और टिप्स हमें देना होता है तो वो सारी चीजें हम इस सेक्शन में डिफाइन कर सकते हैं नेक्स्ट है सेक्शन अ जेनेरिक कंटेंट और एप्लीकेशन सेक्शन सेक्शन टैग मस्ट बी यूज इफ द एरिया डिफाइंड वुड बी इंक्लूडेड इन एन आउटलाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट और पेज तो सेक्शन का यूज हम तब करते हैं जबकि हम कोई थीसिस जैसे लिख रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ सेक्शंस हैं जैसे बुक्स में सेक्शन होते हैं तब हम वहाँ पे इस टैग का यूज कर सकते हैं सबसे पहले हम हेडर सेक्शन डिफाइन करते हैं जिसके लिए हम हेडर टैग का यूज करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेडर उसके बाद अगर हमें हेडर में कुछ स्टाइल चाहिए है तो वो हम डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि सिमेंटिक टैग का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि अलग अलग सेक्शन में अलग अलग स्टाइल दे सकें तो यहाँ पे हम हैडर में बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हमें बैकग्राउंड कलर येलो चाहिए है तो यहाँ पे हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर येलो तो ये स्टाइल हमने दे दी और ये जो हमने स्टाइल दी है ये पूरे हेडर सेक्शन पे अप्लाई हो जाएगी अब हैडर सेक्शन के अंदर हम एच वन टैग ले रहे हैं हेडिंग टैग है ये और हेडिंग के लिए भी अगर हमें स्टाइल देनी है तो हम यहाँ पे स्टाइल दे देते हैं अब ये जो स्टाइल हम दे रहे हैं ये सिर्फ एच वन टैग के लिए दे रहे हैं तो कलर हम इसका ले लेते हैं ब्लू, तो टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लू आएगा टेक्स्ट ले अलाइन ले लेते हैं सेंटर तो अलाइनमेंट और कलर हम यहाँ पे सेट करते हैं तो ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है ये ब्लू कलर में आएगा और इसका अलाइनमेंट सेंटर रहेगा और क्योंकि हमने इसको हेडर टैग के अंदर लिखा है तो हेडर के लिए हमने जो स्टाइल ली है मीन्स जो बैकग्राउंड कलर येलो हमने लिया है वो भी इसपे अप्लाई होगा इसी तरीके से हम h2 टैग ले, ले लेते हैं हेडिंग टू और इसमें भी हम स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं यहां पे हम रेड कलर ले लेते हैं और ये जो स्टाइल है हम पर्टिकुलर इसी टैग के लिए डिफाइन कर रहे हैं मतलब कि ये इनलाइन स्टाइल है अलाइनमेंट इसका भी हम सेंटर दे रहे हैं तो h1 में हमने जो स्टाइल दी है वो सिर्फ h1 वन टैग पे एप्लीकेबल है h2 पे हमने जो स्टाइल दी है वो सिर्फ h2 टू टैग पे एप्लीकेबल है लेकिन क्योंकि ये दोनों टैग हेडर टैग के अंदर है इसीलिए हेडर में हमने जो स्टाइल दी है वो इन दोनों पे अप्लाई होगी तो एक लाइन ऐड कर देते हैं यहाँ पे ओमेगा टेकेट जो कि हमारे चैनल का नाम है दिस चैनल हेल्प्स यू टू प्रिपेयर फॉर बीएससी आईटी एंड सीएस सब्जेक्ट्स। तो इतनी इंफॉर्मेशन हम हेडर में रख रहे हैं यहाँ पे हम कोई इमेज भी ले सकते हैं लोगो भी ले सकते हैं तो अलग अलग ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हमने जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट इसको रखा है जो मेन मेन टैग्स हैं, वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे हैडर जो है वो बन गया है इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो है एच वन टैग ये हो गया तो एक टैग हमारा हो गया हैडर टैग अब अगर हमें इसमें रूलर यूज़ करना है तो एच आर टैग हमने लिया अब हम लेते हैं नेविगेशन टैग नेविगेशन टैग में हम अलग अलग लिंक्स को अरेंज करते हैं तो यहाँ पे भी हम स्टाइल अप्लाई कर देते हैं एन ए इक्वल्स टू पैडिंग टॉप 15 पिक्सल पैडिंग से ये होगा कि जो हमारा नेविगेशन बार है वो टॉप से 15 पिक्सल्स नीचे आएगा मतलब उसमें एक पैडिंग होगी जैसे हम सेल पैडिंग में देखे देखते थे उसी तरीके से टॉप से हम यहाँ पे पैडिंग दे रहे हैं उसके बाद हमें लिंक्स को अरेंज करना है तो फॉर्म डॉट एच ये हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल में कर चुके हैं मीन्स यहाँ पे हम जो फाइल नेम दे रहे हैं फॉर्म डॉट एच या आगे जो भी फाइल नेम हम देंगे वो सब हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं तो जहाँ पे हमने ये फाइल सेव की है सीमेंटिक्स डॉट एच टी एम एल सेम लोकेशन पर ये सभी फाइल्स हमको सेव करनी है तो दो फाइल हम ले, ले लेते हैं एक तो है फॉर्म्स डॉट एच टी एम एल और सेकेंड फाइल है सी एस एस डॉट एच टी एम एल तो ये दोनों प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं फॉर्म्स का प्रैक्टिकल हमने किया है सी एस एस का प्रैक्टिकल हमने किया है तो इन दोनों फाइल को ही हमने यहाँ पे यूज कर लिया उसके बाद हम नेविगेशन क्लोज करते हैं एन तो यहाँ पे हमारे पास दो एच फाइल थी तो हमने दो लिंक ले लिए हैं सेव करते जाएंगे फाइल को और रिफ्रेश करते हैं तो इस तरीके से ये दोनों लिंक्स यहाँ पे अरेंज हो गई हैं। क्लिक करेंगे तो एच एम एल फॉर्म वाला जो पेज है वो ओपन होगा फॉर्म्स डॉट एच एम एल एंड सी एस एस जो है जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के सी एस एस डिस्कस किए थे तो इस तरीके से नेविगेशन टैब में हमने इन दोनों लिंक्स को अरेंज कर दिया इसके बाद आता है आर्टिकल टैग अगर हमें रूलर चाहिए है तो हम एच आर का यूज़ करेंगे हॉरिजोंटल रूलर के लिए और आर्टिकल में भी हम स्टाइल दे रहे हैं तो ये वाला जो सेक्शन है आर्टिकल सेक्शन उसके लिए हम विथ दे सकते हैं पोजीशन दे सकते हैं विथ जो है वो ये स्पेसिफाई करेगा कि जो आर्टिकल है वो कितने पिक्सल वाइड होगा मतलब उतना ही एरिया में वो आर्टिकल आएगा पोजीशन हम दे देते हैं उसके बाद हम टॉप और लेफ्ट से इसकी पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि टॉप से हमें कितने पिक्सल्स चाहिए लेफ्ट से हमें कितने पिक्सल्स चाहिए इससे हम एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं कि एक्चुअल में हमारा जो आर्टिकल है जो पैराग्राफ हम यहाँ पे देने वाले हैं उसकी पोजीशन क्या रहेगी तो आर्टिकल में हम कोई भी पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं यहाँ पे हम अपने चॉइस का कोई भी पैराग्राफ ले सकते हैं अभी हम यहाँ पे ले ले रहे हैं न्यू प्लेलिस्ट। और अभी हमने जो रीसेंट में प्लेलिस्ट बनाई है वो है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिकल तो उसी को हम ऐड कर लेते हैं आर्टिकल सेक्शन में हम जो भी इंफॉर्मेशन लिखेंगे वो हमारे चॉइस पे डिपेंड करता है कि पेज में हमें क्या इन्फॉर्मेशन देनी है बेसिकली हम यहाँ पे एक सेक्शन बना रहे हैं जिसमें हम कोई भी पैराग्राफ दे सकते हैं जैसे कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते हैं सेम पर्पस यहाँ पे इस टैग का है अब यहाँ पे हम लिंक दे दे रहे हैं तो जो हमारे चैनल का लिंक है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं ओमेगा टैग तो ये एक्सटर्नल लिंक का एग्जाम्पल हो गया इस लिंक पे जब हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये YouTube पे आएगा उसके बाद यहां पे हम टेक्स्ट एड कर देते हैं फॉर मोर वीडियोज तो ये हमारा आर्टिकल सेक्शन हो गया तो इस तरीके से ये जो टू थ्री लाइन्स हैं, ये हमने इस आर्टिकल में एड कर दी सेव कर लेंगे फाइल को और एक बार हम चेक कर लेते हैं तो इस तरह से ये बन रहा है अगर इसका अरेंजमेंट ठीक नहीं लग रहा है जैसे कि यहाँ पे विजिट द के बाद ये नहीं आया है तो कुछ मिसिंग है तो देख लेते हैं यहाँ पे विजिट द और डबल कोड जो है वो क्लोज नहीं किया है हमने इसीलिए जब हम एक एक सेक्शन डिफाइन करते हैं तो हमको चेक करना है तो ये डबल कोट्स जो था वो मिस हो गया था विजिट द ओमेगा मेगा टेकेट फॉर मोर वीडियोज इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली चैनल के होम पेज पे तो ये हो गया अब यहाँ पे ये जो रूलर है ये उतना ठीक नहीं लग रहा है तो हम इसको हटा देते हैं तो इस तरीके से चेक करना है कि डिजाइनिंग कैसी है और उसके हिसाब से अपना जो कोड है उसमें चेंजेस करने हैं अब नेक्स्ट सेक्शन हम ले लेते हैं फुटर ले लेते हैं फुटर में हम बॉटम इंफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं जैसे कि यहाँ पे हम कॉपीराइट डिफाइन कर सकते हैं कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन डिफाइन कर सकते हैं तो अभी हम फुटर के लिए स्टाइल देते हैं फुटर की स्टाइल से हम ये बता सकते हैं कि एग्जैक्टली exactly कौन से पोजीशन पे हमको वो चाहिए है तो अगर हमने ये सेम पोजीशन यहाँ पे कॉपी कर ली तो ये जो है ये इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा तो ये जो पॉइंट्स हम देते हैं टॉप से जो पॉइंट्स दे रहे हैं लेफ्ट से जो पॉइंट्स दे रहे हैं ये हमको बहुत देख के देना है तो सेम पॉइंट्स नहीं देंगे बल्कि हम इसको चेंज करेंगे और जो पॉइंट्स हमने दिए हैं रन करके देख लेते हैं कि वो किस पोजीशन पे आ रहे हैं उसके हिसाब से फिर हम आगे इसे एडजस्ट करेंगे कॉपीराइट सिंबल के लिए हम लिखते हैं एम परसेंट कॉपी सेमी कॉलन इसी तरीके से अगर हमें ट्रेडमार्क लिखना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एम परसेंट ट्रेड कॉलन तो इससे कॉपी एम परसेंट कॉपी सेमी कॉलन से कॉपी राइट का सिंबल आएगा और एम परसेंट ट्रेड सेमी कॉलन से ट्रेडमार्क का सिंबल आएगा एक लाइन ऐड कर लेते हैं नो कंटेंट में बी रीप्रोड्यूस्ड विदाउट रिटर्न परमिशन तो इस तरीके से हमने एक सिंपल वेब पेज डिजाइन किया क्योंकि जितने ज्यादा और ऑप्शंस और फीचर्स हम ऐड करेंगे तो वीडियो और भी लंबी होती जाएगी लेकिन जितने भी मेन पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे कवर किए हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है कॉपीराइट। तो अगर इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो हम इसके पिक्सल्स में चेंजेस कर सकते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल है डिजाइन अ वेब पेज एम्बेडिंग ऑडियो एंड वीडियो बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल है ऑडियो इंसर्ट करने के लिए हम ऑडियो टैग का यूज करते हैं तो यहाँ पे हमने लिया है ऑडियो कंट्रोल्स हम ले रहे हैं जिससे कि ऑडियो में बटन्स आएंगे जैसे कि प्ले बटन है उसके बाद सोर्स एस आर सी इक्वल्स टू मेलोडी डॉट एम पी थ्री ये हमारी ऑडियो फाइल है तो जो भी ऑडियो फाइल हमें वेब पेज में इंसर्ट करनी है वो हम एस आर सी में लिखते हैं यहाँ पे मेलोडी डॉट एम थ्री जो है वो फाइल हमने सेम लोकेशन पे सेव की है जहाँ पे ऑडियो डॉट एच को सेव किया है टाइप इक्वल्स टू है ऑडियो एम तो ऑडियो इंसर्ट करने के लिए हम ऑडियो टैग का यूज़ करते हैं सिमिलरली वीडियो इंसर्ट करने के लिए हम वीडियो टैग का यूज करेंगे तो इस तरीके से ये यह ऑडियो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है प्ले कर लेंगे इसको प्रैक्टिकल नंबर थ्री सी है डिजाइन अ वेब पेज विथ इमेज मैप्स जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जहां पे हमने इंडिया का मैप यूज किया था तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हीयर अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें